नमस्कार, दिव्या होम से मैं फाल्गुनी आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको पता है, हम दिव्या होम में हिंदू सनातन धर्म के विविध आयामों को, उनके विविध विचारों को एक श्रेणी के रूप में प्रस्तुत करते आए हैं। आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं आषाढ़ द्वितीय शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को होने वाली रथ यात्रा के बारे में। रथ यात्रा क्यों निकलती है, रथ यात्रा के पीछे क्या रहस्य है, तथा जगन्नाथ मंदिर जो है वो जहाँ से रथ यात्रा प्रारंभ होती है, उस जगन्नाथ मंदिर के कुछ रहस्य ऐसे हैं जो हमें सोचने समझने के लिए मजबूर करते हैं। तो आइए इस वीडियो में समझते हैं रथ यात्रा की शुरुआत कहाँ से हुई तथा जगन्नाथ मंदिर के कुछ रहस्य। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा आगे बढ़ाएं, रोज की तरह मुझे कमेंट बॉक्स में जय श्री जगन्नाथ लिखें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए समझते हैं जगन्नाथ पुरी में रथ यात्रा का प्रारंभ कैसे हुआ। जैसा कि आप जानते हैं कि हर साल आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को उड़ीसा के पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर से जगन्नाथ रथ यात्रा निकलती है। इस यात्रा में हिस्सा लेने के लिए दुनिया भर से श्रद्धालु पुरी पहुंचते हैं। वैसे हमारे हिंदू सनातन धर्म में चार धाम बताए गए हैं। बताया जाता है कि भगवान विष्णु जब पृथ्वी की यात्रा करते हैं तो बद्रीनाथ में स्नान करते हैं, द्वारिका में श्रृंगार करते हैं, जगन्नाथपुरी में भोजन करते हैं और रामेश्वरम में विश्राम करते हैं। तो जहाँ जो पृथ्वी के पालनकर्ता श्री हरि विष्णु है वो भोजन कर रहे हैं, यानी कि जगन्नाथपुरी जहाँ पे ईश्वर खुद भोजन कर रहे हैं, तो उस जगन्नाथ मंदिर के रहस्य तो अपने आप में अलौकिक होंगे। तो आइए जानते हैं जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा की शुरुआत कैसे हुई। कहा जाता है, और ये कहानी हमें विष्णु पुराण और हरिवंश पुराण में से भी मिलती है, कि एक बार भगवान श्री कृष्ण ने अपनी जो द्वारिका नगरी अत्यंत सुंदर और अत्यंत अलौकिक बनाई थी, पूरी सोने की द्वारिका थी, जिसे देखने के लिए उनकी बहन सुभद्रा अपने ससुराल से आती है और अपने भाई भगवान श्री कृष्ण और बलभद्र को कहती है कि मुझे आपकी सोने की द्वारिका देखनी है। तब भगवान ने अपनी जो विवेक बुद्धि है और अपना जो अलौकिक भाव है, उससे अपनी बहन सुभद्रा को एक अलौकिक दृष्टि दी और उन्हें ले गए जगन्नाथपुरी में, क्योंकि यहाँ जो द्वारिकापुरी थी सोने की, वो द्वारिकापुरी में भगवान श्री कृष्ण की कुछ काम अधूरे थे, जिसकी वजह से वो पूरी द्वारिका उन्हें दिखा नहीं पाते थे। इसीलिए उन्होंने अपनी बहन को दिव्य दृष्टि प्रदान की और वे ले गए जगन्नाथपुरी में, जो द्वारिकापुरी की तरह ही भव्य एवं सुंदर थी। अब फिर उन्होंने तीन रथ वहाँ से निकाले, एक रथ अपनी बहन सुभद्रा के लिए, एक रथ स्वयं के लिए और एक रथ अपने भाई बलभद्र के लिए, और तीनों रथ में सवार होके पूरे जो जगन्नाथपुरी है उसी पुरी में उन्होंने यात्रा किया, भ्रमण किया, और वापस लौटते समय अपनी जो मौसी है, जो पुरी में ही रहती थी, अपनी मौसी गुंडीचा मौसी के यहाँ उन्होंने विश्राम किया। अतः उस समय से रथ यात्रा का प्रारंभ मिलता है। वो शुभ दिन था आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीया का, तभी से जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा मिलती है। बाद में सुभद्रा ने जब जगन्नाथपुरी की अलौकिक दृश्य को देखा, तब उन्होंने जब दिव्य दृष्टि वापस जब उसे नहीं नॉर्मल दृष्टि आई, तब उन्होंने देखा कि जगन्नाथपुरी द्वारकापुरी दोनों ही एकदम एक समान है। तो इस तरह से भगवान श्री हरि विष्णु ने श्री कृष्ण अवतार में अपनी बहन को जब नगर यात्रा कराई, तभी से ये रथ यात्रा प्रारंभ होती है। अब आइए जानते हैं जगन्नाथपुरी का
कुछ पूरी की कुछ रहस्य। वैसे हमारे हिंदू सनातन धर्म में कुछ जो नगर है वो अत्यंत पौराणिक है, जैसे उज्जैन, जैसे वाराणसी, काशी, जैसे अयोध्या, वैसे ही जगन्नाथपुरी। ये जो चारों नगर है उसे पौराणिक और भव्य नगर कहा जाता है। इनकी विशेषता और उनका वर्णन हमें प्रत्येक पुराण में मिलता है। तो आइए जानते हैं जगन्नाथपुरी के रहस्य। उनका सबसे पहला रहस्य है जगन्नाथ मूर्ति का। ये रहस्य है जगन्नाथ मूर्ति के अंदर समाये हुए ब्रह्म पदार्थ का। कहते हैं कि ये ब्रह्म पदार्थ और कोई नहीं लेकिन श्री कृष्ण भगवान का दिल यानी हृदय है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने जब अपना देह त्यागा तब उन्होंने अपना हृदय इसी क्षेत्र में रखने की इच्छा व्यक्त की थी। अतः उनकी इच्छा को मान में रखते हुए ये जो हृदय है वो द्वारिकापुरी से जगन्नाथपुरी गया और इसी काष्ठ की प्रतिमा में स्थापित हो गया। अब ये जो काष्ठ की प्रतिमा, जो अधूरी प्रतिमा है, उसका भी एक इतिहास है। कहा जाता है कि देवों के इंजीनियर जो है विश्वकर्मा, वे सतयुग में राजा इंद्रद्युम्न के कहने पर जगन्नाथपुरी में आए, क्योंकि राजा इंद्रद्युम्न को एक स्वप्न आया था कि वे एक भव्य श्री हरि विष्णु का मंदिर का निर्माण करेंगे और जो उनकी लकड़ी है वो द्वारिका से तैरते तैरते एक काष्ठ के रूप में जगन्नाथपुरी के दरिया से आएगी। दूसरे दिन देखा तो उन्होंने वही लकड़ी देखी जो स्वप्न में थी। उन्होंने सभी अपने मंत्रियों को बुलाया, उस लकड़ी को वहाँ पे स्थापित किया और उस लकड़ी में से भगवान श्रीहरि विष्णु की सुंदर प्रतिमा बनाने के लिए विश्वकर्मा को आमंत्रण दिया। लेकिन भगवान विश्वकर्मा ने एक शर्त रखी कि जब तक इस काष्ठ से मैं 3 प्रतिमा ना बना लूँ, भगवान श्री जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की, तब तक मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, मुझे कोई रोके नहीं। थोड़े दिन होते हुए उस मूर्ति का निर्माण बंद कमरे में होता गया। रोज़ मूर्ति निर्माण की आवाज़ें राजा सुनते थे, लेकिन एक दिन राजा ने वे आवाज़ नहीं सुनी तो उनसे रहा नहीं गया और जब दरवाज़ा खोला तब शर्त के हिसाब से विश्वकर्मा जी वहाँ से गायब हो गए और मूर्तियाँ अधूरी रह गई। मूर्तियाँ के सिर्फ और सिर्फ मुँह है, यानी कि उसका जो फेस है वही है, फेस के नीचे का भाग नहीं है। तो ये जगन्नाथ मंदिर की जो मूर्ति है काष्ठ की, इसकी विशेषता ये है। और अब मैं बताना चाहती हूँ कि उस जगन्नाथ की मूर्ति है उसमें भगवान श्री कृष्ण ने अपने कृष्ण जन्म में जो अपना खुद का हृदय था वो वहाँ पे स्थापित करने की इच्छा व्यक्त की। और हरि इच्छा बलवान, इसी बात को नजर रखते हुए उस मूर्ति में आज भी वो काष्ठ की प्रतिमा में भगवान श्री हरि विष्णु यानी कि भगवान श्री कृष्ण का दिल मौजूद है। अब हम बात करते हैं कि ये जो काष्ठ की प्रतिमा है उसे हर 12 साल में बदली जाती है, जिसका रहस्य क्या है। हर 12 साल बाद जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा की मूर्ति को बदला जाता है, क्योंकि ये काष्ठ की प्रतिमा है। इसीलिए जब इन मूर्तियों को बदला जाता है तब पूरे पूरी में बिजली बंद रहती है, इस RPF की जवान वहाँ तैनात रहते हैं और इस दौरान जगन्नाथपुरी के गर्भद्वार में पूरा अंधेरा किया जाता है और केवल पुजारी को वहाँ पे पंडित जी को रखा जाता है, जिसके आँख के ऊपर पट्टी बांधी जाती है, हाथों में दस्ताने पहनाने जाते हैं और बड़े नीति नियम के साथ ये मूर्तियाँ बदल ली जाती है। लेकिन बाहर आने के बाद ये प्रक्रिया हर 12 साल में होती है और पूरी में और मंदिर में CRPF के जवान तब मौजूद होते हैं। ये प्रक्रिया के दौरान जब ख़त्म हो जाते हैं, तब जब पुजारी बाहर आते हैं तब वे खुद कहते हैं कि जब वैसे तो मेरी आंखें बंद थी लेकिन जब मैंने मूर्तियां बदलने का समय जब आया तब वह ब्रह्म पदार्थ को पुराने मूर्ति से नई मूर्ति में
डालते हुए कुछ महसूस किया, एक उछलता हुआ जैसे कोई चूहा हो ऐसा उन्हें महसूस होता है। और उन्हें कभी भी उसे देखा नहीं, लेकिन छूने पर वह एक खरगोश जैसा लगता है जो उछलकर पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति में स्थापित होता है। इसलिए आज भी जगन्नाथ मंदिर से जब रथ यात्रा निकलती है तो जगन्नाथपुरी के राजा सोने की झाड़ू लगाते हैं। तो ये है उस मंदिर के मूर्तियों का रहस्य। उसका दूसरा सबसे बड़ा रहस्य है इस मंदिर का सिंह द्वार। इस मंदिर से जुड़ा एक और रहस्य है इस मंदिर का सिंह द्वार। माना जाता है कि आप इस सिंह द्वार से बाहर आते हो तब आपको समुद्र की लहरें बहुत तेज आवाज में सुनाई देती हैं, लेकिन जब आप मंदिर के अंदर सिंह द्वार से प्रवेश करते हो तो ये आवाज़ें बंद होती हैं। जगन्नाथ मंदिर के पास ही चिताएं भी जलती है। माना जाता है कि सिंह द्वार के अंदर प्रवेश करने से पहले आपको चिताओं की गंध आती है, लेकिन द्वार के अंदर प्रवेश करते ही यह गंध आनी बंद हो जाती है। इसका एक और रहस्य है कि इस मंदिर से जुड़ा इस मंदिर के ऊपर एक भी पक्षी इसके गुंबज के ऊपर नहीं बैठता। आमतौर पर हम देखते हैं कि मंदिर के गुंबज के ऊपर हजारों पक्षियां मंडराते हैं, अपना घर घोंसला बनाते हैं, लेकिन यहाँ पक्षी क्या, एक हवाई जहाज भी जगन्नाथ मंदिर के ऊपर उड़ नहीं सकता। इस मंदिर का एक और रहस्य ये है कि जगन्नाथ मंदिर की परछाई धूप में भी कभी भी नहीं बनती है। इस मंदिर की परछाई धूप में नहीं बनती है क्योंकि ये भगवान जगन्नाथ का चमत्कार ही समझते हैं। इस मंदिर के झंडे यानी कि ध्वजा का ये रहस्य है कि उसे रोज शाम को बदलना जरूरी है। इसके पीछे यह मान्यता है कि यदि हमने ध्वजा को नहीं बदला तो यह मंदिर आने वाले 18 सालों में बंद हो जाएगा। इसका एक और सबसे बड़ा रहस्य ये है कि इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ खुद प्रसाद या भोजन ग्रहण करते हैं, तो इस मंदिर में रखी हुई रसोई दुनिया की सबसे बड़ी रसोई में से एक है। यहाँ 500 रसोइये और उनके 300 सहयोगी काम करते हैं। कहा जाता है कि इस मंदिर में कितने भी भक्त आ जाएं, लेकिन कभी भी प्रसाद कम नहीं होता। लेकिन जैसे ही मंदिर के बंद होने के समय आता है तो यह प्रसाद अपने आप खत्म हो जाता है। यहाँ प्रसाद बनाने वाले सात बर्तन में प्रसाद बनता है जिसे एक ही लकड़ी के चूल्हे पर बनाया जाता है। यहाँ की खास बात यह है कि इस लकड़ी के चूल्हे पर सबसे पहले यानी कि सातवें स्थान पर जो बर्तन रखा है वो प्रसाद सबसे पहले पकता है, सबसे पहले बनता है, फिर नीचे आके सबसे नीचे वाला बर्तन पकता है। तो ये है उनकी रसोई से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा रहस्य। प्रिय दर्शकों, जगन्नाथपुरी अपने आप में एक चार धाम में से एक धाम है। आदि गुरु शंकराचार्य ने इसे एक धाम बताया है। तो आइए ऐसे रहस्यमय मंदिर में जाके हम भगवान श्री हरि जगन्नाथ की कृपा पाएं और उनके दिव्य आशीर्वाद और दिव्य दर्शन ग्रहण करें। देखते रहिए दिव्य होम। नमस्कार, धन्यवाद।